కొడుకును కనలేదని ఓ వ్యక్తి తన భార్యకు విడాకులు ఇచ్చిన ఘటన హైదరాబాద్ నగరంలో చోటు చేసుకుంది. బాధిత మహిళ మెహరాజ్ బేగం మీడియాతో మాట్లాడుతూ, కొడుకుకు జన్మనివ్వలేదని పేర్కొంటూ నా భర్త నాకు ట్రిపుల్ తలాక్ చెప్పి మరో పెళ్లి చేసుకుంటున్నాడని అతను శిక్షించి తనకు న్యాయం చేయాల్సిందిగా ఆమె వేడుకుంటుంది. బాధిత మహిళ ఫిర్యాదు అందుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. मैं तो 2011 में मेरी शादी हुई. 2011 के बाद से जब मैं शादी होने के बाद मेरे ससुराल में अच्छे से रह रही थी, तो वहाँ पे एक डेढ़ साल के बाद जो है सो मेरे सासु लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें, उसके बाद जो है सो मैं प्रेगनेंट होने के बाद जो है सो वो लोग डिलीवरी जो है सो माँ बाप के पास ही करवाना या नहीं कराना बोले बोल के मेरे माँ बाप के पास ही डिलीवरी के लिए भेजाया कर रहे थे. और वो लोग जो है सो ट्रीटमेंट भी नहीं करा रहे थे मेरा, मुझे जो मेरे डैडी के पास ही ट्रीटमेंट करवा ले रही थी. उसके बाद मेरे जो है सो डिलीवरी मेरा बच्चे का डेथ हो गया. वो डिलीवरी में मेरा बेटा था, उसका डेथ हो जाने के बाद जो है सो वो लोग मुझे बहुत टॉर्चर करे कि आपका बेटा का इंतकाल हो गया, आपके बच्चे ना होते वो बहुत टॉर्चर करी. फिर भी मैं जो है सो मेरे ससुराल वाले हैं ना बोल के मैं खामोश रह गई. मेरी जगह मैं अच्छा ही रही थी मेरे शोहर के साथ, मगर वो लोग जो है सो मुझे किसी ना किसी तरीके से निकालना चाह रहे थे मेरे घर से कि ये बच्ची को जो है सो बच्चे ने होते बोल के अपन निकाल देंगे ये वो बोल के. मेरी बहन उन लोग सब जगह मेरे को बहुत टॉर्चर कर रहे थे. मैं फिर भी बहुत तरह से बर्दाश्त करी था, हर बात से हम लोग टॉर्चर को बहुत बर्दाश्त करी. मेरे शोहर भी हर तरह से मेरे को हर बात से टॉर्चर करते थे, मेरे माँ को बेटा ही हो रहा बेटा ही हो रहा बोलते. फिर थोड़े साल के बाद जो है सो मेरे को एक बेटी हुई. अब वो मेरी बेटी 3 साल की है. और जो है सो हम लोग जो है सो हमारे साथ थोड़ा प्रॉब्लम करके जो है सो नहीं मेरे लिए मेरे भवन है होना मेरे को निकल जाओ और तुम बच्ची को लेने के निकल जाओ ये वो बोले. तो हम लोग थोड़ा अलग रह रहे थे घर पर जाके, थोड़ा अलग दूर पर हमारे सास के घर से थोड़ा दूर पर रह के रह रहे थे हमारे शोहर के साथ अच्छा रह रहे थे. मगर फिर हमारे सास जो तो हमारे शोहर को बोलते गए टॉर्चर करते गए कि तुम यहाँ नहीं रहना तेरी बीवी के साथ, तुम अपने घर पर रहे कहीं को जाता वहाँ पर ये वो बोल के हमारे शोहर को बोलते गए. तो हमारे शोहर जो है सो हमारा मेरे पास इधर हमारे घर में ठहरे ही नहीं थे. सुबह से शाम तक अपनी माँ के पास ही रहना, वहीं ड्यूटी कर लेना, उनके पास ही आ जाना, रह लेना, खाना वहीं खा लेना. मेरे पास आ रहे नहीं थे खाना और कुछ नहीं, उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार ही नहीं कर रहे थे. फिर मैं वैसे ही पूछते जा रही थी तो मेरे को बातें करना बातें मारना पीटना वो तो बहुत मारे करे, मैं फिर भी बहुत बर्दाश्त कर ली. और जो है सो हमारे कुछ कम साल भर हम लोग वहाँ पर थे अलग रेंट लेके. उसके बाद जैसे हमारे शोहर बोल रहे थे मैं दूसरी शादी कर रही हूँ हमारे वालिदा, मैं नहीं रहना चाह रहा हूँ तुम्हारे साथ बोल के टॉर्चर करते गए. मैं बोली मैं तुम्हारे को क्या तकलीफ दे रही हूँ कि मेरे साथ नहीं रह सकते आप बोले तो मैं नहीं रहना चाह रहा हूँ आपके साथ, आप चले जाओ यहाँ से. वो ये बोल के बहुत बोलने गए. फिर मैं मेरे दादी को बोली कि बाबा ऐसा बोल रहे हैं हमारे शोहर ऐसा नहीं रहते बोल रहे हैं मेरे साथ जो है सो दूसरी शादी करते करते बेटा होना हुए बोल के मेरे को ऐसा डिमांड कर रहे. मैं बोली तो फिर बाबा आके बात करने गए तो लोग जो है सो बाबा से बात नहीं करे, धमकियाँ दिए बाबा को अगर जो है सो तुम्हारी बेटी की यहाँ से नहीं लेके चले गए तो हम ना तुम्हारी बेटी को ये कर देते वो कर देते ऐसा कर देते मार देते तुम्हारे बच्चों को नुकसान पहुँचा देते तुम्हारे को नुकसान पहुँचाते बोल के बहुत गालियाँ गलौज करे धमकी दे रहे थे. उनके भौने हमारे ननन जो